जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि एकादशी के अत्यंत ही शुभ अवसर पर ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आपके विवाह में लगातार चली आ रही समस्याएं, लगातार हो रहा विलंब दूर हो और आपके शुभ विवाह का, शीघ्र विवाह का योग बने और आपका विवाह शीघ्र ही एक सुयोग्य जीवन साथी के साथ संपन्न हो जाए। दोस्तों, इस उपाय को करने से ना सिर्फ आपका विवाह शीघ्र होगा बल्कि आपको आपका मनचाहा एक सुयोग्य जीवन साथी, जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन साथी प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं यह उपाय। आपको किसी भी एकादशी के दिन यह उपाय करना है। यह उपाय बच्चे स्वयं अपने लिए कर सकते हैं जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, या फिर उनके माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, बाकी कोई और करेगा तो उतना फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए नाहक ही परेशान ना हो। या तो बच्चे करें अपने लिए स्वयं, या फिर माता पिता उनके लिए करें। यह उपाय आपको शाम के वक्त करना है। और एक खास बात कि यह उपाय आपको सिर्फ एक ही बार करना है, बार बार इसे रिपीट नहीं करना। सिर्फ एक बार किसी भी एकादशी के दिन यह उपाय किया जा सकता है, किसी भी महीने की किसी भी एकादशी के दिन। खासकर इस महीने 19 तारीख को जो एकादशी पड़ रही है उसे सफला एकादशी कहते हैं, और सफला एकादशी का मतलब ही होता है सफलता। तो इस दिन अगर आपने यह उपाय किया तो उस उपाय में आपको 101% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उपाय कीजिएगा, बहुत सरल उपाय है, कर जरूर लीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तुलसी का पौधा चाहिए जो कि हर किसी के घर में उपलब्ध होता है। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं है तो आप अपने घर के पास वाले मंदिर में जाके, मंदिर में तो तुलसी का पौधा होता ही है, या जहाँ भी आपको तुलसी का पौधा उपलब्ध हो जाए, किसी के घर नहीं जाना, मंदिर में ही करना है उपाय, या तो मंदिर में या अपने घर में। तुलसी के पौधे के सामने बैठकर आपको यह उपाय करना है। शाम के वक्त प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय होता है, तो याद रखिएगा कि आपको इस समय यह उपाय करना है। इसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए, दो लौंग के जोड़े चाहिए, मतलब दो लौंग चाहिए, एक जोड़ा लौंग, मतलब दो लौंगे होती हैं एक जोड़े में दो, चुटकी भर हल्दी, देसी घी, एक बाती चाहिए, खड़ी बाती चाहिए, लंबी बाती यूज़ नहीं करना है, खड़ी बाती चाहिए। इतना सारा सामान लेकर इकट्ठा करके आपको तुलसी के पौधे के सम्मुख बैठ जाना है। शाम के वक्त स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, हाथ पैर मुंह धुल के हो सके तो स्नान कर लें, नहीं कर सकते तो हाथ पैर मुंह धुल के स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी माता के सामने बैठें, एक आसन बिछा के पीले कलर का। उसके पश्चात अगर पुष्प आदि हो तो माता को अर्पित करें, धूप जला दें और मिट्टी के दिए में खड़ी बाती रखें, उसमें गाय का शुद्ध देसी घी डालें। अगर गाय का घी नहीं है तो मार्केट में जो भी देसी घी मिलता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक में देसी घी डालें, उसके बाद उसमें खड़ी बाती रखें, एक चुटकी हल्दी, लौंग का एक जोड़ा डाल दें और दीप को प्रज्वलित कर दें। उसके पश्चात आपको एक माला लेनी है और तुलसी माता का एक मंत्र है, उसका 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके पश्चात माता की 11 परिक्रमा करनी है और उसके पश्चात माता के सम्मुख बैठकर माता से प्रार्थना करनी है कि मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, अपना नाम और गोत्र बोलें माता से, और माता से कहें कि मेरे विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, ये परेशानियां आ रही हैं,
रिश्ते नहीं आ रहे, या मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, या लोग सामने से मना करते हैं, हाँ नहीं करते, कारण भी नहीं बताते, या जो भी समस्या आ रही है वो समस्या बताएं, या आपको आपका योग्य जीवन साथी नहीं प्राप्त हो रहा जैसा आप चाहते हैं, वैसा रिश्ता नहीं आता, तो ये सब माता से बोलें, भगवान श्रीहरि से बोलें और उनसे अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अगर आपने इस एकादशी पर यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलकर रहेगी। वैसे यह उपाय हर एकादशी के दिन किया जा सकता है और ये इतना करने के बाद सुबह आपको यह दीपक ले जाके किसी पीपल के पेड़ के नीचे, साफ पेड़ जहाँ पर सफाई रहती हो, ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें या फिर बहते जल में प्रवाहित कर दें। बस इतना छोटा सा उपाय है लेकिन इसका फल बहुत ही असरदार और अचूक है, तो एक बार पूरे विश्वास के साथ ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सभी के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे।